भारतीय किसान संघ द्वारा किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। वर्तमान में देखा जा रहा है कि किसानों को कृषि की सिंचाई हेतु परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में सिंचाई का कार्य चल रहा है और विद्युत विभाग द्वारा रात्रि में विद्युत प्रदाय किया जा रहा है, जिसके चलते किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को भारतीय किसान संघ द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम अधीक्षण यंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में रबी की फसल की सिंचाई का कार्य चल रहा है, ऐसे में किसानों को अनवरत विद्युत प्रदाय की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे कि समय पर किसान अपनी उपज की बुवाई कर सके। किसान संघ द्वारा ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि रात के समय में विद्युत प्रदाय किया जा रहा है, जिसको समय बदलाव किया जाए और समय बदलाव करके 2 फीटर यानी दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक एवं रात्रि 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक कुल 12 घंटे लगातार बिजली उपलब्ध करवाई जाए और इसे सप्ताह में बदला जाए। विद्युत प्रदाय सही समय पर चालू की जाए और समय पर बंद की जाए, क्योंकि अभी वर्तमान में बहुत सी जगह पर समय का पालन नहीं किया जा रहा है। किसानों की मांग के अनुसार किसानों को स्थायी कनेक्शन तुरंत दिलवाए जाए, लो वोल्टेज की समस्या का निराकरण जल्द से जल्द हो, ट्रांसफॉर्मर्स ऑयल कम होने की स्थिति में तुरंत ऑयल डलवाया जाए, जिससे ट्रांसफॉर्मर जलने से बचाया जा सके, सहित अन्य मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन सौंप कर जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने की बात कही। किसान संघ ने विद्युत विभाग से जो अभी वर्तमान में जो बिजली सप्लाई कृषि कार्यों के लिए जो बिजली दी जा रही है, उसका शेड्यूल जो है वो न्याय संगत नहीं है। रात के समय बिजली दी जा रही है, इसमें किसानों को शारीरिक रूप से भी, क्योंकि ठंड का समय है तो शारीरिक रूप से परेशान हो रहा है, साथ में आर्थिक परेशानियाँ भी किसान को झेलना पड़ती है। तो उसको लेकर हमने आज ऐसे हिसाब से चर्चा भी करी है, उनको ज्ञापन भी दिया है। उसमें हमने ये मांग करी है कि किसानों को लगातार 12 घंटे कम से कम 3 फेज बिजली दी जाए और दिन के समय में अधिकतम बिजली दिन के समय में दी जाए, ताकि रात को किसानों को सिंचाई के लिए खेतों पर ना जाना पड़े। साथ ही जो ओवरलोड ट्रांसफार्मर हैं उनको अंडरलोड किया जाए। उसके अलावा जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं वो विभाग द्वारा ही, विभाग की निगरानी में उनको बदलवाने का कार्य होना चाहिए। अभी वर्तमान में किसानों को ट्रांसफार्मर उतार कर लाना पड़ता है और किसान जान माल का नुकसान अलग, क्योंकि बिजली का मामला है, बिजली किसी को छोड़ती नहीं है, और ऐसे में यदि कहीं अचानक बिजली आ गई तो किसान को जान का खतरा भी बना रहता है। तो हमने अधिकारी जी से बात यही करी है कि जो ट्रांसफार्मर बदले जाते हैं उसमें विभागीय कर्मचारियों द्वारा ही बदला जाए। साथ में बहुत से ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जिनमें ऑयल कम हो गया है, उसकी वजह से वोल्टेज समस्या आती है, बार बार बिजली ट्रिप होती है, तो उसमें ऑयल भी डाला जाए और उनका मेंटेनेंस किया जाए। अगर ऐसा होता है तो ट्रांसफार्मर जलने से भी बचेगा, शासन प्रशासन का भी पैसा बचेगा। तो इन कुछ बातों को लेकर आज हमने एसी साहब से चर्चा करी। अभी उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया? एसी साहब ने कहा है हम आपकी बात को ऊपर अधिकारियों को अवगत करा देंगे, और उसके अलावा उनके स्तर पे जो जिले स्तर की जितनी भी समस्याएं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इन सबको व्यवस्थित कर देंगे, और उसमें बिजली आपको जो तय समय जो रहता है उस समय पर ही बिजली सप्लाई की जाएगी। और हमने ये मांग भी करी है कि जब बिजली चालू रहती है तो उसके बीच में ट्रांसफार्मर बदलने के लिए कोई अनुमति ना मिले, क्योंकि उसमें किसानों का समय व्यर्थ होता है। यदि अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आपका अगला कदम क्या होगा? यदि हमने प्रशासन को और शासन को अवगत कराया है, और ये हमने पहली बार इस बात को लेकर बात रखी है, यदि विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और हमारी बात को नहीं सुना जाता है, तो आगे हम हमारी योजना जो भी प्रदेश स्तर पर तय होगी उस योजना के अनुरूप हमारा आंदोलन, जो भी धरना देना है या आगे जो भी रणनीति बनेगी वो हम करेंगे।